हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th, क्लास 11th एक्सरसाइज 6.2। देखो 6.2 में क्या है, हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको हमें ग्राफिकली ड्रॉ करके बताना है कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोल्व द गिवन इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। एक टू डायमेंशनल प्लेन है हमारे पास, उस पर उस इनइक्वालिटी को शो करना है। x प्लस फाइव लेस देन फाइव, कि x प्लस फाइव की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन फाइव, फाइव से कम होगी। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है कैसे। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव इज गिवन एज डॉटेड लाइन इन द फिगर। इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव को ड्रॉ कर देंगे। और कैसी लाइन, डॉटेड लाइन। क्यों, क्योंकि ये इक्वल के लिए नहीं दे रखा। अगर इक्वल के लिए दे रखा है तो डॉटेड लाइन नहीं होगी, और अगर ग्रेटर देन या लेस देन दे रखा है, इक्वल नहीं दे रखा उसके साथ में, तो क्या लिखेंगे, हमेशा डॉटेड लाइन। अब हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव है, हमने इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, x की वैल्यू हमने क्या रखी, 1 रख दी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x 1 है, इधर लेके आएंगे 5 माइनस 1 4। x की वैल्यू अगर हम 2 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ के लिए निकाल लिया। उसके बाद हमें इनइक्वालिटी देखनी है कि 0 से किधर है, लेस देन है या ग्रेटर देन में है। उसके लिए हमने क्या किया, पुटिंग 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। इस इक्वालिटी में हमने क्या किया, 0 0 पुट कर दिया। अगर हमने 0 0 पुट कर दिया तो x प्लस वाई लेस देन 5 है, तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू भी 0 प्लस y की वैल्यू भी 0 लेस देन 5। अब ये क्या आ जाएगा, 0 लेस देन 5, ये तो हमारे पास ट्रू है, क्योंकि 0 है वो 5 से लेस है, तो विच इज ट्रू। सो हाफ प्लेन ऑफ x प्लस वाई लेस देन 5 टूवर्ड्स ओरिजन, किसके साइड होगा, हमारे पास ओरिजन की साइड होगा, जो हमारे पास ये लाइन है। अगर ये हमारे पास ट्रू है तो हमारे पास क्या होगी, कि x प्लस वाई की वो वैल्यू होगी जो 5 से लेस है। अगर 5 से लेस है तो बाहर की साइड तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो x की वैल्यू बड़ी आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू कम करने के लिए, लेस देन करने के लिए हमने इसको अंदर का जो है उसको रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। और डॉटेड लाइन किस लिए है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन या इक्वल टू 6। किसकी वैल्यू, या तो 6 के इक्वल होगी या 6 से ग्रेटर होगी। हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 है। ड्रो ए सॉलिड बाउंड्री लाइन, एक सॉलिड बाउंड्री लाइन ड्रो करेंगे सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को शो सेटिस्फाई करती है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को। अब इसको शो करने के लिए हमने क्या किया, हमने ऐसे ही दो नंबर्स के लिए निकाल लिया। x हमारे पास क्या ले लिया, 1। x की वैल्यू 1 लेंगे तो 2 1 जाए 2, और उधर लेके आएंगे 6 में से 2 जाएगा 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। x की वैल्यू अगर 2 पुट कर देंगे, 2 2 जाए 4, 6 में से 4 घटा देंगे तो y क्या आएगा, 2। ये हमारे पास दो नंबर्स की से वैल्यू निकाल ली हमने। उसके बाद हम कंडीशन देखेंगे कि कहाँ तक है इसकी लिमिट लास्ट। पुटिंग 0 0 इन द गिवन इनइक्वालिटी, इस इक्वालिटी के अंदर हम दोनों में 0 0 पुट करेंगे। 0 0 पुट कर दिया हमने तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन या इक्वल टू 6, कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 6 रख दिया, 2 की वैल्यू x की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। क्या हमारे पास 0 है वो 6 के इक्वल या 6 से ग्रेटर है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 तो लेस है, तो विच इज फॉल्स। ये हमारे पास कैसा है, फॉल्स। सो हाफ प्लेन ऑफ 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 अवे फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से कहाँ होगा, दूर होगा, अवे अवे फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से दूर होगा, अगर ट्रू होगा तो ओरिजन के पास होगा। तो ओरिजन से दूर के लिए हमने कैसे ड्रॉ किया, देखो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो y कितना हो जाएगा, 6, तो हमारे पास y के लिए लास्ट पॉइंट क्या आया, 6। अगर y को हमने 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को उधर लेके गए डिवाइड, कितनी आई, 3, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये हमारे पास दो पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंट से हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी मिलाने के लिए। उसके बाद हमें क्या है कि कंडीशन क्या थी, 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू 6, 6 से बड़ी होगी या 6 के इक्वल होगी, इक्वल होगी तो हमने लाइन कैसी है, डॉटेड नहीं है हमारे पास लाइन, लाइन को हमने सिंपली ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, एक ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रखी है।
तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ये तो इक्वल के लिए होगी, फिर ग्रेटर देन है बड़ी हो सकती है, तो इससे अगर इधर की साइड आएंगे हम ओरिजिन की साइड आएंगे तो लेस होगी वैल्यू, तो लेकिन अगर ग्रेटर है तो इससे बाहर की साइड ड्रॉ करेंगे हम, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2x + y > 6। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, 3x + 4y < 12। कंडीशन दे रखी है 3x + 4y < 12, तो हम ड्रॉ ए सॉलिड बाउंड्री लाइन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। हम एक सॉलिड बाउंड्री लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस इक्वेशन को शो करता है। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x और y ले लिया, x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 3 = 12। और अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास, तो x की वैल्यू 4। अब उसके बाद पुट करेंगे 0 0 पुट कर देंगे इन द गिवन इनइक्वालिटी। अब ये भी 0 हो जाएगा, 3 × 0 + 4 × 0 < 0। 0 है वो या तो 12 के इक्वल है या 12 से लेस है। अब इक्वल तो है नहीं, बट इसके लेस तो है ही, कि 0 तो हमारे पास 12 से छोटा है, तो क्या बोल देंगे, विच इज ट्रू। सो हाफ प्लेन ऑफ 3x + 4y < 12 टूवर्ड्स द ओरिजन, किसके पास होगा, ओरिजन के पास होगा, ओरिजन के पास होगा, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास x की लास्ट लिमिट कितनी है, 4 है, तो x हमारे पास कहाँ आया, 4 को लिख दिया, और y की क्या है, 3 है, तो ये y हमारे पास 3 हो गया। इनको मिलाने के लिए लाइन ड्रॉ की, लाइन की अब हमारे पास क्या था कि 12 से छोटी होगी वैल्यू, 12 से छोटी आएगी हमारे पास वैल्यू, तो इसे अंदर की वैल्यू लेके चले हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, y + 8 > 2x। इसकी जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल होगी 2x की, शो करो। अब हमारे पास ड्रो ए सॉलिड बाउंड्री लाइन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक बाउंड्री लाइन ड्रो करेंगे। ये हमारे पास है y + 8 = 2x, x की वैल्यू मैंने पुट कर ली 5 5 2 = 10। अब 10 में से इधर 8 लेके आएंगे तो 10 - 8 कितना आ जाएगा, 2, तो हमारे पास y कितना आएगा, 2। x की वैल्यू मैंने पुट कर ली 6 6 2 = 12 12 - 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब पुटिंग 0 0 पुट कर देंगे इन इक्वेनलिटी, इसमें पुट कर दिया y + 8 > 2x, ये 0 + 8 > 0, 0 + 8 = 8 आ जाएगा, > 0। ये हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि जो 8 है वो 0 से हमारे पास छोटा है, कि 8 बड़ा है और 0 छोटा है, तो इधर मैंने क्या लिख दिया कि 0 < 8, विच इज़ ट्रू, जो कि कंडीशन को ट्रू करता है। सो हाफ प्लेन ऑफ 5 + 8 > 2x टूवर्ड द ओरिजन, ओरिजन से के पास होगा। अब इसके लिए हमें कैसे ड्रॉ करके दिखाना है, देखो अगर हम = 0 पुट कर लेंगे, x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, यहाँ x अगर हमारे पास 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 8 को उधर लेके गए -8 हो जाएगी, तो x y की वैल्यू कितनी आई, -8। अगर फिर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x क्या आएगा, 2 इधर आएगा, डिवाइड में 2 4 = 8, तो ये कितनी आ जाएगी, 4। इससे हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। फिर हमारे पास कंडीशन क्या थी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास टूवर्ड्स द ओरिजन आएगी, ओरिजन की साइड आएगी, तो हमारे पास ये ओरिजन की साइड आएगी। अगर ओरिजन से हमारे पास बाहर की साइड अवे द ओरिजन दे रखा है तो बाहर की साइड आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, x - y < 2। गिवन x - y < 2 है, ड्रो ए सॉलिड बाउंड्री लाइन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, x - y = 2 लेके चले हम। अब x और y है हमारे पास, x की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी तो हमारे पास y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो 2 - 2 = 0 हो जाएगा, y 0 आ गया। फिर मैंने क्या किया, x को 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गया। पुटिंग अब हम पुट कर देंगे 0 0 इन दिस इक्वेशन, ये देखने के लिए कि हमारा ओरिजन की साइड है या ओरिजन से दूर है, तो इसके लिए हमने 0 0 पुट कर दिया। x - y < 2 आ जाएगा, 0 - 0 < 2। अब 0 है वो लेस है, किससे, 2 से लेस है, तो क्या बोल देंगे, विच इज़ ट्रू। सो हाफ प्लेन ऑफ x - y < 2 टूवर्ड्स द ओरिजन, ओरिजन के पास होगा। उसके लिए पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2 है हमारे पास और y की वैल्यू -2, इस लाइन को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ओरिजन के पास है तो हमारे पास ये आ जाएगी इधर की लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 2x - 3y
ग्रेटर देन 6। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 6 आएगी। गिवन दैट 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, ड्रॉ ए डैश्ड बाउंड्री। डैश्ड बाउंड्री क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें हमारे पास इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होगा हमारे पास तो हमारे पास डैश्ड बाउंड्री नहीं होगी, वो सॉलिड बाउंड्री होगी। बट अगर लेस देन या ग्रेटर देन है ओनली, तो कैसी बाउंड्री होगी? डैश्ड बाउंड्री। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू अगर मैं इसमें 6 पुट कर देते हैं, तो एक्स हमारे पास 6 पुट कर दिया, 6 टू जा 12। अब 6 माइनस 12 कर देंगे माइनस, 6 माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा 2। इसी तरह एक्स की वैल्यू 9 पुट कर देंगे, वाई 4 आ जाएगा। हमें ज़रूरत किसकी है? 0 0 के लिए। तो हम 0 0 के लिए पॉइंट देख लेते हैं क्या। एक्स की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दी यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 0, तो वाई क्या आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा। और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 2 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दी हमने, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 0 हो गया। x की वैल्यू कितनी आई? 3। तो हमारे पास पॉइंट क्या है? ये तो 0 है दोनों, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो ओरिजिन है हमारे पास है। ये क्या है? माइनस 2 और 3। y की वैल्यू माइनस 2, यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 2 होगी, x की वैल्यू 3, ये x की वैल्यू 3 होगी। अब देखो उससे आगे क्या करना है। पुटिंग 0 0 इन द गिवन इनइक्वालिटी, इस इक्वालिटी में 0 0 पुट किया, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6 है। 0 पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 6 है। क्या 0 6 से बड़ा है? नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोल देंगे? विच इज फॉल्स। सो हाफ प्लेन ऑफ 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6 अवे फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से दूर होगा, दूर होगा तो हम क्या करेंगे, इससे बाहर की साइड दिखाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, माइनस 3x प्लस 2y ग्रेटर देन या इज इक्वल टू माइनस 6। अब हमारे पास देखो इक्वल है, इक्वल है तो सॉलिड बाउंड्री होगी। ड्रॉ ए सॉलिड बाउंड्री लाइन विच सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, ये 0 पुट कर दिया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 टू जा 6, एक्स की 2 आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो वाई की क्या आएगी? माइनस 3। पुटिंग 0 0 इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में 0 0 पुट कर देंगे, माइनस 3x प्लस 2y ग्रेटर देन या इज इक्वल टू माइनस 6 है, माइनस 3x की जगह 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन या इज इक्वल टू माइनस 6, ये 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू माइनस 6, विच इज ट्रू। अब जो 0 है वो बड़ा है किससे? माइनस 6 से। माइनस 6 से तो बड़ा है क्योंकि नेगेटिव के जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी 0 से छोटे हैं हमारे पास, तो विच इज ट्रू। सो हाफ प्लेन ऑफ माइनस 3x प्लस 2y ग्रेटर देन या इज इक्वल टू माइनस 6 टूवर्ड्स द ओरिजन, अगर ट्रू है तो टूवर्ड्स द ओरिजन आएगा। तो हमारे पास ये हमने ड्रॉ किया, x की वैल्यू कितनी है? 2 दे रखी है, और y की वैल्यू कितनी निकाल रखी है? माइनस 3। इनको मिलाने के लिए लाइन ड्रॉ की, उसके बाद टूवर्ड्स द ओरिजन दे रखा है तो अंदर की साइड हम ड्रॉ कर देंगे इसे। नेक्स्ट है 8th, 3y माइनस 5x लेस देन 30। इसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 30 आएगी। अब लेस देन 30 है ओनली, इक्वल नहीं है, तो कैसी लाइन होगी? डैश्ड। ड्रॉ ए डैश्ड बाउंड्री लाइन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, एक डैश्ड बाउंड्री लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30। वाई की वैल्यू हमने 0 अप्लाई की, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 30 बाई माइनस 5, क्या आ जाएगा? माइनस 6। इसी तरह से फिर x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ये तो ये 0 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 30, वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? 10। अब हमारे पास टूवर्ड्स द ओरिजन है या अवे द ओरिजन, उसके लिए हम क्या करेंगे? 0 0 पुट करेंगे कि ट्रू है फॉल्स। पुटिंग 0 0 इन द गिवन इन इक्वेलिटी, इस इक्वेलिटी में हमने 0 0 अप्लाई किया, 3y माइनस 5x लेस देन 30, माइनस 3 मल्टीप्लाई 0, माइनस 3 प्लस आएगा भाई 3 इंटू 0, माइनस 5 इंटू 0 लेस देन 30। अब ये आएगा 0, तो लेस देन 30 है, ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि जो 0 है वो 30 से लेस है, तो विच इज़ ट्रू। सो हाफ प्लेन ऑफ 3y माइनस 5x लेस देन 30 टूवर्ड्स द ओरिजन, अगर ट्रू है तो टूवर्ड्स द ओरिजन आएगा। देखो कैसे करना है, x की वैल्यू कितनी है? माइनस 6। तो इधर हमारे पास है, अब हमारे पास 1 2 3 10 तक है हमारे पास, तो मैंने इसलिए डिफरेंस कितने का लिया? 2 2 का, 2 4 6 8 10। इधर y की हो जाएगी 2 4 6 8
टेन, इधर हमारे पास माइनस टू माइनस है, फोर माइनस सिक्स वाई नेगेटिव, इधर एक्स है नेगेटिव। अब एक्स नेगेटिव है माइनस सिक्स, तो एक्स की वैल्यू माइनस सिक्स यहाँ पे है हमारे पास, और वाई की वैल्यू टेन है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगी। इसके लिए हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, लाइन डॉटेड होगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास है सिर्फ लेस देन दे रखा है, इक्वलिटी नहीं है, तो इसलिए हम कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे? डॉटेड। फिर हमारे पास ट्रू थी कंडीशन, तो क्या आएगा? टूवर्ड्स द ओरिजन, ओरिजन की साइड, ये हमारे पास ओरिजन है, तो ओरिजन की साइड अब हमारे पास है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, y लेस देन माइनस टू, y की जो वैल्यू है वो लेस देन होगी माइनस टू। गिवन y लेस देन माइनस टू, ड्रॉ ए डैश्ड, क्योंकि इक्वल नहीं है तो क्या बोल देंगे? ड्रॉ ए डैश्ड बाउंड्री लाइन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू माइनस टू, पुट कर लेंगे जीरो जीरो इन दिस इनइक्वालिटी, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा? y है वो लेस देन माइनस टू था, y की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, तो क्या जीरो है वो माइनस टू से छोटा हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि जीरो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा है, तो विच इज ए फॉल्स, और फॉल्स है तो क्या बोल देंगे? सो हाफ प्लेन ऑफ y लेस देन माइनस टू अवे फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से दूर होगा, तो इसके लिए हमने ड्रॉ करके दिखाया y की वैल्यू क्या है। अब x तो है ही नहीं इसके अंदर, y क्या है? माइनस टू, ये हमारे पास y माइनस टू आ जाएगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्यों? क्योंकि डैश्ड बाउंड्री थी, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की, और फिर क्या आया? फॉल्स आया था, तो अवे द ओरिजन आएगा, अवे द ओरिजन आएगा, तो इससे हमें बाहर का जो एरिया है उसको शो करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, x ग्रेटर देन माइनस थ्री, गिवन x ग्रेटर देन माइनस थ्री, तो जब ग्रेटर देन है इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे? डैश्ड लाइन आएगा, ड्रॉ ए डैश्ड बाउंड्री लाइन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए डैश्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो पुट कर लेंगे जीरो जीरो इन इक्वेशन, टूवर्ड्स द ओरिजन है या अवे द ओरिजन, उसके लिए x है वो ग्रेटर देन माइनस थ्री, x की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, ग्रेटर देन माइनस थ्री, तो जीरो बड़ा है माइनस थ्री से, तो विच इज ट्रू, जीरो बड़ा होता है हमेशा माइनस थ्री से, सो हाफ प्लेन ऑफ x ग्रेटर देन माइनस थ्री, इसलिए हम क्या बोल देंगे कि हमारे पास x ग्रेटर देन माइनस थ्री है वो कहाँ आएगा? टूवर्ड्स द ओरिजन, ओरिजन के पास, अब ओरिजन के पास आएगा तो x की वैल्यू क्या है? माइनस थ्री के इक्वल, ये हमारे पास माइनस थ्री है, यहाँ से हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की, डॉटेड लाइन ड्रॉ करके टूवर्ड्स द ओरिजन है, तो ओरिजन इधर है, तो इधर की साइड ऐसे ऐसे शो कर देंगे। ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2। ओके, थैंक यू।